गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो ये है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग और हमारा चल रहा है गिफ्ट देखने का और कैश देखने का काम। इन्होंने कार्ड में से सिक्के कलेक्ट कर लिए। तो फिलहाल तो यहाँ पर सारा घर भरा हुआ है गिफ्ट शोकेस से और बाकी चीज़ें मम्मी के यहाँ पर भी हैं, वो भी आएंगी वो सब दिखाऊंगी। तो फिलहाल मेरे को ये काजू कतली का डब्बा मिला और जिसमें कि मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा है, बच्चों को भी है। अभी हस्बैंड गए चाय बनाने के लिए तो हम ये खोल लेते हैं। ये आया है बुलबुल की नंद के घर से, काफ़ी कुछ भी आया है उनके पास, उनके साथ ही हिना बहुत कुछ भी लेकर आई हैं, लेकिन फ़िलहाल शुरुआत में इसी से कर रहे हैं। अब आपको ये खोल के दिखाएंगे गाइस। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। वापस कर दो, आसिफ फोन गरम करेगा, फोन रखेगा आपको के लिए। आया ड्रेस, हाँ ये मेरी ड्रेस, ये देखिए क्या है ये, ये एक बहुत सुंदर सी ड्रेस है। टॉपर्स और क्या पे है? और जींस जींस। और मुझे बहुत प्यारा सा कॉट सेट मिला है, ये नाती है बड़े पापा की तरफ से। हाँ मुझे लगता है जो आप ने सिलेक्ट करा है, जो आप की चॉइस बहुत अच्छी है। बंद करो, अभी वो सो रही हैं। तो गाइज यहाँ पर हमारी सुबह हो चुकी है, अब तो 11 बज रहे हैं और मैं कल से जो भूखी हूँ ना, मैंने कोई भी खाना नहीं खाया। अब जाके मैं खाना टेस्ट कर रही हूँ कि हमारे यहाँ फंक्शन का खाना कैसा बनाता। सब बता रहे हैं बहुत अच्छा बनाता। तो हम भी इस पर सब पे डाई वाई लगा दी ना तुमने टी शर्ट पे, तो आप भी अच्छा खाना खा लीजिए। हाँ तो गाइस ये मम्मा ने भिजवाया है सामान इनायत के लिए, खाने पीने के लिए। इनायत से खोलोगे बच्चे? पैक नहीं हो पाया ये गुडी, सॉरी गाइस। तो ये शबाना लेकर आई थी उनके फैमिली की तरफ से, इनायत के लिए आया था सहरी, क्योंकि वो लोग सहरी में नहीं आए थे तो वो इनायत के लिए सारा कुछ सामान लेकर आए थे। मुझे ऐसा लगा था जैसे कि शायद मुझे गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये मम्मी की तरफ से है, बट मेरे मैके की तरफ से गुडी बैग्स बनकर आए थे। ये शबाना के घर की तरफ से आए थे इनायत के लिए और अल्फिया के लिए बहुत ढेर सारी चीज़ियाँ। तो जिनसे भी मैंने गलती कर दी उनके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से और आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो गाइज आज माशाल्लाह से इफ्तार पार्टी हो गई आपकी इनायत ने, बहुत अच्छे से रोज़ा भी रख लिया, सारा फंक्शन भी हो गया। अब बारी है इनायत को क्या गिफ्ट्स मिले, उसके क्या प्यार और मोहब्बत दिया सब लोगों ने उनकी। तो ये वीडियो आज पूरा इनायत के गिफ्ट्स के लिए ही होना चाहिए, तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। और बहुत से गिफ्ट्स ऐसे हैं जिनके मुझे नाम नहीं पता है, जिन्होंने नाम भी नहीं लिखे, बता के तो सब मुझे गए बट मैं सब ब्लैंक आउट हो गए। तो मैं वीडियो में दिखाऊंगी, तो मुझे फिर कमेंट करके बता देना मेरे रिश्तेदारी कि ये किसने दिया था और ये किसने दिया था, मुझे एक्चुअली इतना याद नहीं आ पा रहा है। ठीक है तो मैं एक बार आपको लुक दिखाती हूँ कि माशाल्लाह से कितने सारा प्यार इनायत को मिला है सबकी तरफ से, उसके ददिहाल की तरफ से, उसके ननिहाल की तरफ से। माशाल्लाह इनायत को बहुत ढेर सारा प्यार मिला और मुझे उस रब से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस प्यार के साथ हमेशा नवाज दें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ये गुडी बैग्स का जो सिलसिला है ना, माशाल्लाह से इतने सारे आए हैं। मैं आपको बता दूँ वो बड़ा वाला जो टोकरा है ना फ्रूट्स का, वो इनायत की नन्ना की तरफ से आया है, ये हिना की तरफ से आया है, ठीक है एक बुलबुल की तरफ से आया है, ये वाला बुलबुल ने दिया है, ये वाला टॉफ़ीज़ का चॉकलेट्स का ये इनायत की नानी की तरफ से आया है,
ये वाला हिना की तरफ से आया है, एक मेनास की तरफ से आया है, ये मेरे सब्सक्राइबर की तरफ से आया है, एक अन्नू ने दिया है, ये मेरी जो मासी लगती है चिंकी जो है मतिया दीदी, ये मेरी उन्होंने दिया है, वो भी नायत की नानी लगती हैं, तो ये नायत की एक और नानी की तरफ से आया है। और बाकी माशाल्लाह ये मिठाइयाँ हैं, ये बुलबुल की तरफ से आई है, ये हिना लेकर आई हैं काजू कतली हैं, ये मेरे ख्याल से शबाना लेकर आई थी, मेरी जो नंद है ये वो लेकर आई थी उनकी तरफ से है। और ये हैं गिफ्ट्स, और बाकी का हमें कैश आया है, कुछ नोटों की माला आई हैं, और ये जो फ्लावर है ना ये भी मेरी सब्सक्राइबर लेकर आई थी रेशमा जी एक ये लेकर आई थी, और एक फ्लावर और एक बहुत ही प्यारा सा ये गिफ्ट है ये लेकर आई थी, ठीक है ना। चलिए जी अब हम गिफ्ट का सिलसिला ओपन करते हैं। एल्फिया हमें गिफ्ट खोल खोल के दिखाएंगे, और इनायत आओ चलो जल्दी से गिफ्ट खोलते बेटा। तो गाइस मैं आपको कैमरा यहाँ सेट करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि कैमरा कहीं और सेट हो नहीं रहा है, तो हम यहाँ से दिखाते हैं। लाओ दो जल्दी दो मेरे को, आप मुझे देते हो मैं बताती जाऊँगी। ये वाला शायद बुलबुल की तरफ से है ना, बुलबुल की तरफ से रेड बॉक्स में अभी हम देखते हैं इसको। ये है एक ग्रीन कलर का सूट जो कि शायद मेरे लिए ही आया है जी हाँ। तो ये ना बुलबुल की तरफ से, बुलबुल की सासू माँ ने ये मुझे एक ग्रीन कलर का सूट दिया है, ठीक है ये मेरा सूट हो गया। और कहाँ है ये, किसका है ना, तू ये किसके यहाँ से आया था मेरा, ये शबाना पप्पी की तरफ से आया क्या, ये मुझे नहीं पता चल रहा है किसकी तरफ से आया है, बट ये अफू के लिए है। हाँ ये ड्रेस अफू का है, ये बड़ा ही प्यारा सा टी शर्ट और पैंट और कोट का सेट है। ये किसने दिया है मुझे नहीं पता, शायद मेरे को लग रहा है शबाना ने दिया है, आपकी दीदी जो बहन है शायद उन्होंने दिया है, क्योंकि पैकिंग नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। अब हम चलते हैं, लाओ फू दो, आपसे नहीं खुल रहा, जो खुल रहा है फटाफट से खोलो बेटा, इतना टाइम नहीं, इतना लंबा वीडियो मुझे करना भी नहीं है, बहुत लंबे लंबे वीडियो है। ये सब रेड पैकिंग में जो है ना वो बुलबुल की तरफ से ही है। तो ये आशीष जी का एक सूट आया है बुलबुल के ससुराल की तरफ से, ठीक है। और एक और पैकिंग रेड, एक और रेड कलर की खुलो, ये रेड कलर के उसमें था ना, है ना रेड कलर की पैकिंग था। ये आया है बुलबुल की तरफ से, ये किसका है, ये शायद अफू का है। वाओ सो प्रिटी बुलबुल, सो प्रिटी, ये बुलबुल की तरफ से आया है। और ये शॉपिंग किसने करी है मुझे कुछ आइडिया नहीं, जैसे मुझे पता चलेगा मैं आपको बता दूंगी, बट जिसकी भी चॉइस है आई एम वेरी इम्प्रेस, बहुत अच्छा है। और ये आया है, ये रेशमा जी ने इनायत को बड़ा प्यारा सा ब्यूटीफुल सा पर्स गिफ्ट किया है, तो ये मेरी सब्सक्राइबर की तरफ से आया है ना, कितना अच्छा लगता है ना बोलने में। मैं इधर को रखूँ, कैमरा बहुत ज़्यादा उसमें आ रखा है, अभी मेरी आवाज़ भी, मैंने एसी चलाया हुआ है ताकि आवाज़ आए। रेड वाला, रेड पे नहीं है ये, रेड पिनी के, ये भी बुलबुल की तरफ से ही है, लाइटिंग बहुत कम है। ये शायद इनायत के लिए आया है, साइज साइज से तो इनायत के ही लग रहा है यार। ये भी बुलबुल की तरफ से ही है, हाँ इनायत का प्यारा सा बहुत ही ब्यूटीफुल सा पिस्ता कलर का कुर्ता, और आई थिंक लेगिंग्स है जी हाँ, जैगिंग्स जो कि इनायत को बहुत पसंद है। और बहुत सारे सब्सक्राइबर कहते हैं कि इनायत जो है ना वो आपकी बेटी नहीं लगती है, वो बुलबुल की ही लगती है। तो जी हाँ वो बेटियाँ मेरी जो है ना वो मेरी सारी बहनों की, और उनके बच्चे सब मेरे हैं, तो ये बुलबुल को इनायत का इतना ध्यान था, वो जब मैं भी मैं शॉपिंग पे जाऊँ उससे बार बार कह कि आप इनायत के लिए लेकर आओ उसको एक कुर्ता और जैगिंग्स दिलाओ, और मैं भूल जा रही थी बार बार। तो हालांकि इस बार बुलबुल मुझसे शायद नाराज़ भी होगी, बट सॉरी बहन मैं माफ़ी माजरा चाहूँगी कि इस बार मैं तेरी कोई भी शॉपिंग नहीं करवा पाई, क्योंकि मैं अपनी ही शॉपिंगों में बहुत बिजी थी। होता है ना जब अपने घर का फंक्शन होता है ना, 85 काम आपके पास होते हैं, दिमाग में नहीं जाते हैं। तो बुलबुल की तरफ से है, और लाओ ये वाला भी बुलबुल की तरफ, ये तो खाली डब्बा ढक्कन है, डब्बा खा गया डब्बा, नहीं बेटा ये खाली ढक्कन ही आया है, ये ढक्कन ही दिया है आपने मुझे अल्फिया। ड्रेस कहाँ गिर गया, ढूंढो गाइस, मिस्टेक हो गई। ये आया है बुलबुल की ससुराल से मेरे लिए, और वो जो ग्रीन कलर का जो मैंने, हाँ ये वाइन कलर का अनु के जी का है, वाइन कलर का अनु के जी का है, ग्रीन कलर का बुलबुल का है। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी ये अनु ने का है, मैंने तो प्यारा सूट, अनु जो है ना वो एक सूट मेरे लिए लेकर आई है, आसिफ जी के लिए वो कपड़े लेकर आई है, और अल्फिया और इनायत के कपड़े अलग से दिए उसने, और एक माला उसने नोटों की चढ़ाई, मतलब मेरा बच्चा इतना ज़्यादा करा है ना उसने मेरे लिए, मैं उसको डांट दे रही थी बच्चे इसकी क्या जरूरत थी,
बहुत ही खूबसूरत है और ये कलर मैंने अभी तक पहना भी नहीं है अनु, इंशाल्लाह ये ज़रूर सिलेगा। लाइए और दीजिए जल्दी से, अब कैसे गाड़ी खाली हो गई थी। ये भी अनु के जी की तरफ से है ना, ये पापा, ये अनु की तरफ से है, इना अल्फिया का है ना ये, हाँ ये अल्फिया का है। अनु की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा टॉप है और एक स्कर्ट है जो कि अनु लेकर आई है अल्फिया के लिए, ठीक है। लो ये भी अनु की तरफ से ही है ना, ये अनु का विमल का सूट है, आसिफ जी का एक विमल का जोड़ा है जो आसिफ जी के लिए अनु जी लेकर आई है हमारे। तो मेरी बहन इतनी बड़ी हो गई, मेरी बच्चियाँ छोटी छोटी सी, ठीक है। और ये रहा, ये एक सूट है जो पाकिस्तानी सूट है कॉटन का, ये मेरी मम्मा की तरफ से आया है मेरे लिए, पूरा बड़ा हुआ है, ये भी इंशाल्लाह जल्दी सिलेगा तो जब मैं सिलूंगी पूरा ले लो आप लोगों को। ओ ब्यूटीफुल, क्या आया है ये, ये अन्नू की तरफ से इनायत के लिए है शायद, शायद टी शर्ट और वो वही कहती है जेगिंग्स। तो ये बहुत प्यारा सा टॉप है और ये ब्लैक कलर की जेगिंग्स है जो कि अन्नू की तरफ से आया है, कवर है, ये भी अन्नू लेकर आई है। अनु ने हम पूरे घर के कपड़े बना दिए हैं, ठीक है। लाओ 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 लाओ, ये किसकी तरफ से आया है ये मुझे नहीं पता, ये किसकी तरफ से आया है। बहुत ही खूबसूरत सा ये टी शर्ट है आपू के लिए और ये शॉर्ट्स है, ये आपू के लिए आया है। नहीं 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 नहीं, ये शायद हिना के घर से आया है, हाँ हिना की तरफ से आया है। और निकालो और निकालो और निकालो जल्दी से, हाँ ये तो तुम्हारे लिए मैं ही लेकर आई थी, इसमें तुम्हारे कपड़े नहीं, हाँ ये तो तुम्हारा ही डब्बा है जो हम लेकर आए थे। सब हो गया? Yes. नहीं yeah. नहीं है। ये आसिफ जी के कपड़े मम्मी की तरफ से हैं, ये दो दो जोड़ी जीन्स है, किसकी है, एक जीन्स और टी शर्ट है नहीं ये तुम्हारा है जीन्स, अरे पापा के तो साइज बड़ा है ना, एक ये रही और शर्ट अलग है, ये मम्मी की तरफ से है। आसिफ जी का सूट है, शर्ट है बड़ी प्यारी सी लेवेंडर कलर की, ठीक है वाइन कलर की, लेवेंडर नहीं वाइन कलर की, और ये जीन्स है। और ये पता नहीं किसने दिया, ये शायद हिना के घर से आया है इनायत के लिए, ये मुझे भी पता नहीं है, मैं कंफर्म करके बताऊंगी। बाकी ये भी बहुत प्यारा सा एक टॉप है, टी शर्ट है और ये जीन्स है, ये है तो इनायत की है, किसने दिया है ये हमें अभी पता नहीं है, ठीक है। और ये बड़ा खूबसूरत सा सूट है, ये भी किसने दिया मुझे पता नहीं, ये मेरा सूट है, ये किसने दिया है आई डोंट नो। और ये बड़ा प्यारा सा ही ये टी शर्ट और जेगिंग्स है, ये इनायत का है, ये भी किसने दिया है ये भी मुझे नहीं पता, मैंने अभी अन्नू को बुलाती हूँ, अन्नू ने, अन्नू को सबका पता है क्योंकि अन्नू ने ही ज़्यादातर सबकी शॉपिंग करी और पैकिंग कराई है, तो अन्नू से पूछती हूँ, क्या पता ये हिना के घर का हो, अभी मुझे इतना पता नहीं है, मैं पता। तो ये इनायत का जो है ना, ये बड़ा प्यारा सा, जैसे हमने कॉर्ड सेट लिया है ऐसे ही इनायत का कॉर्ड सेट आया है उसके बड़े पापा की तरफ से, और बहुत ही खूबसूरत से कपड़े आए, उसके बड़े पापा आए थे, उसकी आप ही आई थी, मेरी जेठानी जो है उनके भाई आ गए थे, ये ईद का टाइम है तो उनके भाई ईदी लेकर आ गए थे, उन्होंने बड़ी माजरत करी थी, तो मेरी जेठानी नहीं आ पाई थी, बट उन्होंने बच्चों को भेजा था। और ये बहुत खूबसूरत सा अल्फिया का टी शर्ट है जो मुझे बहुत ही पसंद आया, मज़े आए मुझे ये था कि देखो कपड़े ऐसे थे जैसे मैं देती ना कि इंसान पहन सके, तो कपड़े माशाल्लाह से सारे मेरे बच्चों के मेरी ही पसंद के ही आए हैं जैसा मुझे पसंद है। इसके साथ है बड़ा प्यारा सा कैप्री जीन्स है, कैप्री तो नहीं है जीन्स है, ये अल्फिया का है और कॉट सेट जो है वो इनायत का है। और मेरी फूफिया सास भी आई थी, उन्होंने हमारे लिए क्या अपनी बेटी है पोती का रोज़ा इफ्तार का फंक्शन था, तो मेरी फूफिया सास जो है ना वो खजूर लेकर आई थी कि सबको इफ्तार पार्टी में खजूर हमारी तरफ से देना, और वो केले लेकर आई थी काफ़ी सारे के इफ्तार पार्टी में केले भी हमारी तरफ से करना, तो हमने जो अपना इंतज़ाम था ना खजूर का और केलों का तो वो हमने रोक दिया था, मेरी खाला इतनी समझदार है, सारा अरेंजमेंट मेरी खाला और मेरे मामू ही लोग देख रहे थे, मेरी खाला ने तो खैर क्या ही वो मैं बताऊँ कि उन्होंने तो एक माँ का फ़र्ज़ अदा कर दिया है, नानी का फ़र्ज़ अदा करा, तो मेरी खाला इतनी समझदार, उन्होंने रोक दिया कि नहीं ससुराल से आया है, और मैं ससुराल वालों के लिए बहुत ज़्यादा मानती हूँ, सब करती हूँ, बहुत एहतराम करती हूँ, तो मेरी खाला ने हमारा कॉन्सेप्ट रोक के उसकी दादी के ने जो खजूर और केले लेकर आए थे वही सबकी प्लेटों में रखे, तो
तो ये भी एक मान की बात होती है। और मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, मतलब मेरे मैके वाले बहुत सपोर्ट करते हैं। तो बस जजाक अल्लाहु खैर सबको ही, मेरे मैके में और मेरे ससुराल में। और सल्यूट है मेरी खाला को जो उन्होंने ता मतलब फंक्शन संभाल लिया पूरा का पूरा मेरे। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ तो मेरे पापा बैठे थे एक फंक्शन संभालने के लिए, मतलब मेरे खाने का अरेंजमेंट जो है ना देख वेख का मेरे पापा। वैसे मेरे मामू जो हैं आप लोगों को पता ही है, भुट्टो मामू हैं मेरे, मामू जी लग जाते हैं हर फंक्शन में, वही होते हैं। नहीं फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मेरे पापा लगे हुए थे और एंड तक वो देख पे से नहीं हटे, सबका खाना खिलवाया भी, उन्होंने निकाल के भी दिया, पैकिंग जिक भी कराई। उसमें मेरे मामू भी हैं, मेरे छोटे मामू भी हैं, शिराज मेरा भाई जो है वो लगा रहा है, मतलब बच्चे सारे ही। और खाला का क्या ही कहना, खालू तुझे सलाम। तो बस ये था। और मेरी मम्मा जो है ना, उन्होंने जो दिया था वो हमें फलू फलों का टोकरा दिया मेरी मम्मा ने, जो है हम पूरे घर के कपड़े बनाए। अभी मेरी ईदी जो है वो अभी मेरी मम्मा के घर पे ही रखी हुई, कोई ले जाने लाने वाला नहीं था। तो मेरी मम्मा ने 1100 की माला चढ़ाई है, 5100 रुपये कैश दिया है, और ये गुडी बैग दिया है, और सारा सामान दिया है। आप लोगों ने देख लिया तो मैंने आई होप सारे कपड़े दिखा दिए। यस तब हो गया, ये भी दिखा दिया मैंने, सब कुछ दिखा दिया। बाकी मैं अभी बताती हूँ अनु, और बाकी जो है ना एनवलप्स आए थे, तो एनवलप में टोटल कितना क्या है, सब ने ही कैश ही दिया है। तो आई थिंक हमारे पास कैश भी अच्छा खासा आ गया है, वो मैं अभी हस्बैंड से पूछ के आप लोगों को बताऊँगी कि क्या क्या आया क्या क्या नहीं आया। तो बस मैं अभी अनु को बुला लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ मैं, ठीक है ना। मैंने सारा सब आपको सही बताया है, बस एक अफू का रह गया था, अफू की नन्ना की तरफ से ड्रेस, तो ये आया है मम्मी की तरफ से अफू के लिए ड्रेस, बड़ा ही खूबसूरत और बहुत ही प्रिटी सा। हाँ धो करना बहुत ज़रूरी है तुम्हारा, ये अफू की नन्ना ने भिजवाया, बहुत ही प्रिटी। और ये अब अफू ईद पे वेयर करेंगी, ठीक है। चलिए गाइस मैं बंद करती हूँ।